क्योंकि हम यहाँ बचपन में बहुत आते थे और खेला करते थे। तो पहले से जब पानी की परेशानी वगैरह होती थी तब हम यहाँ पे तो पानी भरने आते व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज आप सभी को मैं मंदिरों के दर्शन करवाने वाली हूँ। और मैंने पहले नवरात्र को आपको कुछ मंदिरों के दर्शन करवाए थे और आज बाकी के सारे मंदिरों के दर्शन करवाए जाएंगे। आज अष्टमी है और मम्मी और मेरा दोनों का ही फास्ट है। सो अभी हम दिन के टाइम, क्योंकि रात को लेट हो गया था सोने में, तो अभी इतना काम वगैरह नहीं हुआ है, तो हम जाएँगे दिन के टाइम। तो फिर अभी मैं जाती हूँ, फिर उसके बाद जब रेडी होंगी फिर मिलते हैं आपसे और हम जाएंगे आज बाकी मंदिरों के दर्शन करने। अभी हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और पहले अभी हम मुरली मनोहर मंदिर पर आए हैं। आप सभी को दिखा रहे हैं। पूजा कर रहे हैं तो मैंने सोचा आपको मैं उसके जो पीछे गार्डन सा है वो दिखाती हूँ, क्योंकि हम यहाँ बचपन में बहुत आते थे और खेला करते थे। चलिए मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ, उसके बाद आऊँगी। सो इस जगह पर हम बचपन में आया करते थे और बहुत ज़्यादा खेलते थे। एक तो हम जब फिफ्थ तक हमारी जो क्लास थी, स्कूल था, वो इसी मंदिर से अटैच है, तो हम लोग वहाँ से मंदिर आ जाते थे खेलने के लिए। तो इस जगह से बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, क्या बोलूँ। मतलब हमेशा जब हम छोटे थे तो आते थे यहाँ और मम्मी लोग पता है हमें ढूंढते रह जाने वाले हुए, लास्ट में फिर यहाँ आते थे हमको डांटते डांटते ले जाने वाले हुए। मम्मा लोग भी आ गए, तो चलते हैं पूजा करते हैं। और ये हैं हमारे बाल गोपाल का नन्ना सा झूला। हमारे बाल गोपाल यहाँ पर को विराजमान है। जय गोपाल जी की। हमारे कन्हैया लाल झूला झुलाते हैं भगवान जी को पहले। और अभी हम आए हैं हनुमान मंदिर। मुरली मनोहर मंदिर हो गया और हनुमान मंदिर हो गया, ये दो जगह हमारा ना खेलने का रहता था। और हर मंगलवार को हम लोग भगवान के दर्शन करने आते थे, बूटी लेकर आते थे और फिर सबको टीका लगाने वाले हुए हमें बाजार में जितने लोग मिलते थे हमारे जान पहचान के। फिर
अभी हम आए हैं भैरव मंदिर। भैरव मंदिर में दर्शन हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं। मम्मी कौन से मंदिर? शीतला देवी मंदिर जा रहे हैं अभी। हम शीतला देवी मंदिर, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। सो शीतला देवी का रास्ता यहाँ से है, पल्टन बाज़ार में है, जो एटीएम बैंक है एसबीआई के, इसके बगल में रास्ता है, छोटू सा जाता है मंदिर को। शीतला देवी मंदिर, माता का दरबार, थाली मंदिर हमारा आ चुका है। दर्शन हो गए हैं, अभी हम बद्रीनाथ मंदिर जा रहे हैं। ये मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का पता नहीं क्यों एक अलग ही सी वाइब आती है। बाकी मंदिरों में भी आती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मतलब मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। मंदिरों पे मतलब मेन गेट जो है ताले लगे हुए हैं कोरोना की वजह से, भगवान के दर्शन बाहर से कर रहे हैं हम सभी भी साथी में, अगर देख पाया तो।
यहाँ बंदरों ने अपना आतंक फैला रखा है। मैं आप सभी को यहाँ का नौला दिखाती हूँ। तो ये है हमारा नौला। मौसी भी पहली बार आ रहे हो तुम? यहाँ पता है डर भी लगती है। मैं आई हूँ। अच्छा यार, नौला बहुत ही बड़ा है ना। मैं देखो कितना गहरा है। इतनी साफ देखो, वीडियो में साफ दिख रहा है मासी। भाई साहब, मुझे एक बार डर लगी थी पर। अच्छा है ना, वो भी नौला है ये वाला। हाँ वहाँ सो पहले से जब पानी की परेशानी वगैरह होती थी तब हम यहाँ पता पानी भरने आते थे, और अभी भी जब भी होता है बीच में भी आई थी मैं पानी लेने, लेकिन उसमें से बाद पानी आ गया बताओ। और यहीं पर को बाहर है शनिदेव का छोटा सा मंदिर। ये देखिए, ये है शनिदेव का मंदिर। सो ये कैंटीन का गेट है, और फिर आगे को जाते हुए आर्मी गेट था, सॉरी। सो वहाँ से आगे को आते हुए एक रोड नीचे को जाती है, और एक रास्ता ऊपर को जाता है जो कैंट साइड को जाता है, जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं। और ये मंदिर रास्ते पे हमारा मंदिर है, रत्नेश्वर मंदिर है इस मंदिर का नाम। शिवजी मंदिर है, शिवजी का मंदिर। और कृपया प्रवेश करने से पूर्व जूते चप्पल का जहाँ स्थान है वहाँ उतारे। अच्छा, यहाँ पर कोई पीछे एक और मंदिर। सो मंदिर के पीछे एक और मंदिर है। और ये राम भगवान जी के पदचिन्ह है। सारे मंदिरों के दर्शन हम अभी कर आ चुके हैं, और अभी हम फिलहाल घर को जा रहे हैं। और आज बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत दिनों बाद सारे मंदिरों में एक साथ गई थी, और सारे मंदिरों से यादें तो जुड़ी हुई हैं बचपन की। सो अभी हम घर को जा रहे हैं, आपसे घर पे मिलूंगी अब। सो आज कैसा लगा फिर आप सभी को सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इतने टाइम बाद मैं सारे मंदिरों पर एक साथ गई थी। और फिर अभी मैं थोड़ा छत पर आई थी, मेरा छत तो डेली का ही रहता है। आजकल कैंट साइड घूमना नहीं हो पा रहा, मतलब जा नहीं पा रही हूँ, लेट हो जाता है जाने के लिए। तो मैं छत पे ही आकर थोड़ा आधा एक घंटा वॉक करते हैं, और फिर गानों के साथ ही मेरे हेडफोन्स हैं, और अभी मैं ठंडी सी हवा का आनंद लेते हुए आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप सभी को व्लॉग पसंद आया हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप सभी को वीडियो पसंद आई है, सो डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माही व्लॉग्स। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।